हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है एकदम एग्जैक्ट। सबसे पहली बात, आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि अगर आप मध्य प्रदेश से नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, GNM कर रहे हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं या ANM कर रहे हैं, चाहे आप GNM के किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या किसी भी ईयर में हो, मैं बता दूँ जो 20 से 21 में अपना एडमिशन लिए हैं उनके लिए थर्ड ईयर है, जो 21 से 22 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए जो है अभी सेकेंड ईयर है, ठीक है, और जो अभी नेक्स्ट 22 से 23 में एग्जाम लिए हैं उनके लिए अभी फर्स्ट ईयर है। तो आज हम बात करेंगे और ये जेन्युइन चीज़ें बताएंगे कि जिस तरीका से माहौल चल रहा है, जिस तरीका से ना काउंसिल के कोई स्टाफ, ना कोई ऑफिसर, ना सरकार के लेवल पर कोई ऑफिसर जो है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो है एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, उस प्रकार से देखा जाए तो आप लोगों को मैं आज बता दूं कि आप लोग अपने कोर्स के अवधि जो है उसमें अभी से एक एक साल और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, एक एक साल और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, उसके बाद ही आपका सब चीज़ फाइनल हो पाएगा। जैसे जो 20 से 23 सेशन जिनका है तो लगभग अभी तक 24 तक सब चीज़ फाइनल हो जाना चाहिए था, इनका रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक इनका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम का आता पता नहीं है, यहाँ तक छोड़िए कि सेकेंड ईयर का अभी सप्ली भी नहीं हुआ है, सप्लीमेंट्री भी नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से अभी से एक साल और लेट होगा, अभी से एक साल और लेट होगा रजिस्ट्रेशन आने तक, साल भर अभी और लगेगा। सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ, मैं झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के सप्ली होंगे, उनके रिजल्ट आएंगे, फॉर्म भराएंगे, मेन एग्ज़ाम होंगे, और आप जानते हैं कि रिजल्ट 7-8 महीना के बाद ही आता है, तो कितना भी जल्दी करेगा तो 2-4 महीना के बाद आएगा, ठीक है, फिर मार्कशीट छप कराएगा, फिर मार्कशीट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो फाइनली इन सब मामलों में साल भर लगेंगे। अभी से साल भर जोड़ लीजिए कि आप लोग को अभी से साल भर टाइम अभी आपको सोचकर चलना है। दूसरी बात, जो सेकेंड ईयर के हैं जिनका अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है सेकेंड ईयर का, जो 21 से 22 में एडमिशन लिए हैं और उनका सेशन 21 से 24 है, तो ये तो जाहिर सी बातें हैं कि उनका जो है 25 में होता सब चीज़ क्लियर, ठीक है, उनका क्या होता 25 में सब चीज़ क्लियर होता, ये अगर सही से चलता तो उनका 25 में जो है क्लियर हो जाता, अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाता, 25 में थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो जाता, एक साल डिले जो है सब में चलता है, ये मैं भी मानता हूँ, और यह नर्सिंग का नॉर्मल है कि 3 साल का कोर्स है, 4 साल लग ही जाता है रजिस्ट्रेशन आने में, ठीक है, ये नॉर्मल आपको मानना पड़ेगा कि 3 साल का कोर्स 4 साल लग ही जाता है, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, MP हो, ठीक है, इस सब में जो है 4 साल लग ही जाते हैं, झारखंड हो, 4 साल लग ही जाते हैं GNM के कोर्स में। लेकिन अब आपको 4 साल नहीं, अब आपको 5 साल, 4.5 साल देना पड़ेगा। जैसे थर्ड ईयर वालों को 4 साल लगभग 3.5 साल तो हो चुका है, ठीक है, 3.5 साल थर्ड ईयर वालों को तो हो चुका है 20 से 23 वालों का, लेकिन अभी उनका सेकेंड ईयर का सप्ली भी नहीं हुआ है और थर्ड ईयर मेन एग्ज़ाम तो छोड़ ही दीजिए, तो हो सकता है थर्ड ईयर मेन एग्ज़ाम होते होते ये 4 साल हो जाए, ठीक है, 4 साल हो जाए, अब उसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मतलब यूँ कहा जाए तो 4.5 साल जो है लग ही जाएंगे हर हाल में इनको। इसीलिए मैंने बताया कि अभी से साल भर थर्ड ईयर वाले लेकर चलिए कि आपका सब चीज़ क्लियर होगा। उसी प्रकार से जो सेकेंड ईयर में है उनको भी अपने सेशन 21 से 24 है तो 25 में सब चीज़ होता है नॉर्मल तरीके से, तो अब 25 में नहीं होकर आपका सब चीज़ जो है वह 26 में चला जाएगा, यानी 26 के एक महीना भी ले ले, चाहे 10 दिन भी ले ले, लेकिन 26 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम करते करते लोग दिसंबर लगा देगा, सीधी सी बातें हैं, ठीक है, दिसंबर लगा देगा, फिर सप्ली होगा वगैरह वगैरह करते बैठते आपका जो है 25 आधा ऐसे ही गायब हो जाएगा, रिजल्ट आते आते फिर आपका थर्ड ईयर के एग्ज़ाम, यानी यूँ कहा जाए तो आप लोग 26 में पाएंगे, जो लगभग लेट करके 25 में आपको हो जाना चाहिए वो अब और ओवर लेट होगा और 26 में मिलेगा, ठीक है। और जो 22 से 23 वाले हैं इनका तो अभी फर्स्ट ईयर ही अंधकार में है, इनका तो अभी आधा अधूरा काम हो रहा है कि 132 जो सुइटेबल है उनका ही इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बाकियों को तो कोई अता पता भी नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, तो इन लोगों को तो मैं सीधा सीधा कह दूँ कि 5 साल अगर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका
22 से 23 सेशन है, तो 22 से 25 में क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग को 26 तो नॉर्मल होता है, एक साल डिले चलता है, तो 22 से 26 तो आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन आपका यह चीज़ें जो है 27 तक चला जाएगा, ठीक है, 27 तक चला जाएगा आपका फाइनल होते होते, जो कंडीशन अभी एमपी में दिखा रहा है। बातें को समझ गए? तो ये सारा चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि आप लोग को बता दें जो हड़बड़ी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, रिजल्ट कब होंगे, क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन कब होंगे, मेरा कब होंगे। तो मैंने सोचा एक बार क्लियर कट बता दें कि आप लोगों का कितना और आगे समय लगने वाला है, ठीक है। और जो मैं बताता हूँ आकलन करके ही बताता हूँ, जिस प्रकार से नर्सिंग में असेसमेंट होता है, आकलन किया जाता है कि मरीज का क्या हाल है, किस कंडीशन में है, उसी प्रकार से हम ये सारा आकलन किए हैं। और आप लोग भी आकलन कीजिए कि जो चीज़ें नॉर्मल तरीका से एक साल डिले चलता है, जैसे अगर किसी का 19 से 23 सेशन था, तो उसका जो है 19 से 23 सेशन था, आप लोगों को पता है कि 19 से 22 तीन साल होता है, 19 से 22 22 में तो कहीं नहीं होता है, तीन साल में तो कहीं नहीं होता है, अगले ईयर में चला ही जाता है। तो 19 से 22 था तो मान गए 23 में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें इस सब मामला में फंस के एमपी में 19 से 22 वाला ये 24 में जो है जाके क्लियर हो रहा है, और अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी रजिस्ट्रेशन पर मामला अटका हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि उन लोगों का ऑलरेडी 4.5 साल हो चुका है इसमें फंस के, ठीक है। तब की रह गया बात कि उन लोग पहले इधर साल भर से फंसे हुए हैं, उधर नहीं फंसे हैं, लेकिन 20 से 23 वाले और 21 से 22 वाले और 22 से 23 वाले के शुरुआती से ही और स्टार्टिंग से ही फंसे हुए हैं, तो इन लोगों को तो और ज़्यादा आगे समय लगने वाला है। तो आप लोग एक साल जो नॉर्मल डिले होता है उससे भी एक साल आगे जोड़ लीजिए अपने कोर्स में। जैसे जिनका 22 से 25 है तो 26 में क्लियर होता है, तो आप लोग अब 27 के ध्यान में रख के चलिए कि मेरा 27 में जाके शुरुआती में क्लियर होगा, ठीक है। जिनका 21 से 24 है, 25 में नॉर्मल तौर पर जो है चला ही जाता है, तो आप लोग ये समझिए कि अब आप लोगों को 26 में चला जाएगा मामला, ठीक है। मामला आपका 26 में चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो 20 से 23 वाले हैं, उनका 20 से 23 है, नॉर्मल तरीके से 24 में क्लियर हो जाना चाहिए था, ठीक है। 24 में मामला क्लियर हो जाना चाहिए था, बट अब 24 में क्लियर नहीं होकर आपका मामला 25 में चला जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते आपका 25 हो ही जाएगा, ठीक है, 25 में मामला चला ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो बार बार जल्दबाजी करते हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ। अब ये सब लेट होने के रीजन आप लोग जानते हैं, कोर्ट में मामला है, काउंसिल उतना एक्टिव है नहीं, काउंसिल चीज़ों को उतना सीरियस ले नहीं रहा है कि हाँ स्टूडेंट का लाइफ है, इनको जल्दी करवाया जाए, सारा चीज़ें मामला को राफा दाफा करवाया जाए, काउंसिल भी उतना एक्टिव है नहीं, और ये मामला कोर्ट में तो चल ही रहा है। काउंसिल को एक बहाना मिल गया है कि भाई मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जैसे जैसे ऑर्डर आ रहा है वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं, तो एक उनको बहाना भी मिल गया है और बस। और सरकार तो उतना एक्टिव इस समय रहता नहीं है एजुकेशन में, जहाँ लीक हो जाता है कहता है कोई लीक नहीं है, बाद में जब प्रूव हो जाता है तो कहता है कि ठीक है कैंसिल किया जा रहा है। तो ये सारा मामला आप लोग देखते हैं, एजुकेशन को एक तरीका से सरकार भी उतना सीरियस में नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट को तो सभी जगह जो है आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। बाकी मैंने सोचा कि आप लोग को बता दे, जो लोग हड़बड़ी में बार बार सवाल करते हैं, तो उनको एक ही वीडियो में बता दे कि आखिर आप लोग का कब तक समय जाएगा, और हड़बड़ाना नहीं है, जो काम करना है करते रहिए, और जो मैंने समय बता दिया वो समय दिमाग में बैठा कर रखिए, संतोष रखिए कि इतना समय अभी लगने वाला है।